बहुत अच्छी नींद आई और रात कल तो मैं थक भी गया बहुत ज्यादा, नजला भी हो गया मुझे भी बहुत तेज ठंड लग रही है, मेरा उठने का और मन नहीं है। सामने देखो एकदम ठंडा ठंडा मौसम है सुबह सुबह। ऐसा लग रहा है ठंड वापस घूम के आ रही है सही में जाते यार, जाते। मतलब दिन में तो बहुत गर्मी, धूप इतनी ज्यादा और रात को एकदम ई किड़किड़ी पूरी वाली रात तुमने ठंड। मुझे सोन नहीं दिया, खराटे मार रहे हैं वैसे तो। खनाटे नहीं मार रहा था हाँ मेरे को ना, सांस हर आदमी सांस नाक से लेता है, मुझे ना मुंह से सांस लेना पड़ रहा था। मुंह खोल के सो रहे हाँ यार। पता क्यों? क्योंकि मुझे नजले की वजह से मुझे सांस ही नहीं आ रहा था, तो इस वजह से। अब कितने बजे जाना है आपको? मुझे तो भाई जाना था 7 बजे, लेट हो गए। अभी नाश्ता बनाना है। हाँ दिल्ली जाना है मुझे आज एक क्या शूट के खाओगे लिए। नाश्ते में? पराठे बनाना? नास्ते में पास्ता? पनीर रखा है, पनीर के पराठे बना हाँ लेते हैं बना है ना। दो, वही बना दो फटाफट से, मैं वही तैयार होके आऊंगा। अभी नहाना नहीं हुआ मेरा, कोई बिना बात नहाए बना नहीं, दूं आज। अरे बिना बिना नहाए बना दो यार, हम तो बिना नहाए खा रहे हैं। तुम तो खा लेते हो, मैं बना दूं क्या बिना हाँ नहाए? बिल्कुल लाइट बना। नहीं आ रही, कुछ नहीं। तो क्या हो गया? बिना नहाए बना दो आप, बाद में बना लेना। मैं सोच रही हूँ नहा धो के बना दिया जाए तो अच्छे नहीं से अरे साफ सफाई यार से। क्या पंडित जी हो क्या आप? हम अरे तो त्यागी हैं यार, शर्मा नहीं है हम, जो पूरा एकदम पंडित जी बन के जब भी होगा। अच्छा नहीं लगता ना, एक अच्छी बहू की पहचान तो उसी में ही है ना, नहा धो के अरे कभी बनाए। कभी तो चल जाता है यार, कभी कभी चल जाता है ना, कमेंट करके बताना। चल जाता है ना कभी कभी, चल हाँ जाता है ऐसे यार कभी बुढ़िया कभी। कर रही हूँ, चलो तो मैं जा रही हूँ, हम भी तबियत भी चलते खराब हैं हो रहा है फटाफट यार। से। गई नहीं अभी तक? जा रहे हो बस यार? इतनी सुबह मुझे जगाया है तुमने, जो नाश्ता टाइम पे दे आज देना। सच्ची ले मैंने गई साढ़े हो, सात एक घंटा बजे लेट। नाश्ता टाइम पे दे दिया है बना कर, ये 8 बजे के 3 मिनट पर अभी तक गई भी नहीं है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। 7 बजे जाना था वैसे, बट कोई दिक्कत नहीं, अपनी कब तक आ जाओगे? पराठे बहुत बढ़िया लगे कितने बजे तक आ जाओगे? यार शाम तक शायद, पराठा जल गया नहीं मैंने पलटा जल मारा, गया जलाना है। हुक्का नहीं भूखा? कोयला होगा हाँ। कितने बजे तक? शाम तक। ठीक है, जल्दी आने की कोशिश करना। ठीक है, दिल्ली का तो आपको पता ही है। आज हम बना रहे हैं नए बड़े में बनाएंगे, आज दोपहर में कढ़ी चावल। ओह माय गॉड, आई एम हैविंग नहीं जाते जहाँ तुम्हारी थायराइड की दवाई है। मैं कल उनको मेरठ जाऊंगा जब लेके आऊंगा। अभी अभी क्या गा रहे थे? मेहंदी लगा के रखना, बढ़िया सजा के रखना। ओ मोहित, मम्मी के लिए मेहंदी लिया है? नहीं मिली ना है। मिली ना? चलो घर से लम्मा, चलो घर से जब ले आप आओ। आओगे ना तब ले आना, ठीक है ना? बड़ी मम्मी 2-3 दिन से कह रही है। बाय बाय। तो सभी मेंबर्स चले गए हैं अपने अपने काम पे, बचे हैं घर में मैं और मम्मी दोनों। हम नाश्ता करें। मम्मी पनीर पराठे कैसे लगे आपको? बढ़िया लगे। ठीक लग रहे हैं? ठीक लग रहा है, मुझे पसंद है। पता जब हम स्कूल में जाया करें ना, तो मम्मी घर पे ही पनीर बना के और उसके पराठे बना के देख रही थी, अच्छे लगा करे स्कूल टाइम में। और एक बात और बताऊँ मम्मी, एक बार वो मम्मी की तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब हो गई, मैं 8th क्लास में ही, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई। तो उस टाइम पे मम्मी ने मुझे इतना अच्छे से, मतलब पहले ही काम सिखा दिया कि मैं अपना लंच अपने आप बना के लेके जाई करी स्कूल में, और घर का एक दो काम मम्मी का निपटा के जब जाई करी। तो इस वजह से मुझे काम करने में ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, जिससे परेशानी ना हो। हाँ, तो इस वजह से मैं ना अब आप पर इतना कॉन्फिडेंस हो चुका है कि मैं अपना सारा काम अपने आप कर सकती हूँ। कर सकती है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि मम्मी ने मुझे इतनी कम टाइम में और सारा काम सिखा दिया, बहुत बढ़िया है ना। सुबह से लाइट बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रही थी, तो मैंने सोचा कि अब लाइट आ गई है और अब थोड़ी देर रसोई में बड़ी मम्मी है, तो जो ये जो मैंने दही जमाई थी वो जम चुकी है और अब लाइट भी आ गई है, तो मैं फटाफट इसको बिलो लेती हूँ। और अगर लाइट भगी तो ये काम बीच में ही रह जाएगा, नहाना धोना होगा बाद में, क्योंकि ये पहले जरूरी है। नहा तो मैं ठंडे पानी में भी सकती हूँ, लेकिन अगर लाइट चली गई ना तो पूरे दिन ये रखा रह जाएगा और मेरा कढ़ी का प्लान है वो भी फेल हो जाएगा। तो मैं फटाफट इसे जल्दी से कर लेती हूँ। बड़ी मम्मी इसको इसलिए हिला रही हैं क्योंकि अभी इसमें अच्छे से आया नहीं, थोड़ी देर बाद इसमें अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा। और निकाल देंगे मम्मी, खुशबू तो अच्छी आ रही है मम्मी। ठीक है, इसको भी इसमें पलट लो, अभी ये सारा हो गया। लो आप डाल दो। ये वाला भी है, लाइट ना जाए तो कभी चालू हो जा, वैसे तो बंद कर लो मत, घूमो। गरम पानी ये रखा, लो इसको घुमा घुमा के मम्मी इसमें से सारा घी निकाल देंगी।
और घर का हमारा नोनी घी तैयार हो जाएगा बिल्कुल। मक्खन 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 तैयार हो जाएगा। नोनी घी अलग मक्खन अलग हो हमें नहीं हो तो यही है। हाँ पर जैसे मक्खन का है ना कहने वाले ज्यादा। हाँ कान्हा जी का मक्खन कान्हा जी का मक्खन। एक बार का तो शेक हो गया दूध और बीच में चली गई थी लाइट, अब दोबारा आ गई है तो हम अब वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर में घी आ ही जाएगा। अभी गर्म पानी डालने की जरूरत है, यहाँ पे हमारा गर्म पानी हो रहा है तो बड़ी मम्मी इसमें से फिर घी निकाल देंगी। मम्मी घी निकालना है क्या निकालना बटर है ना क्या कह रही है मक्खन मक्खन तो बड़ी मम्मी इसमें से मक्खन निकाल देंगी जो कान्हा जी खाए करें बड़े खुश होके। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी हमारे घर मक्खन निकलेगा और फिर हम उसको पिघला के फिर घी भी बनाएंगे। जी ये अब निकल के आ गया हमारा घी, बहुत देर में निकला है और बहुत मेहनत भी लगी है इसे निकालने में। मम्मी इतना टाइम क्यों लगा इसे निकालने में? ये जो होता रही वो तो ही जल्दी एक जगह हो जाता, हर बार जो होता है इसे मिक्सी में करना पड़ा नहीं इतना टाइम। देख लो भाई हमारा कितना अच्छा घी निकला, कोई भी नजर मत लगाइए हमारे गाय भैंस के ऐसे कह के रहे ना मम्मी पहले ऐसे घी ना दिखाते हैं और यू ना दिखाते नजर लग जा। पर ये तो मोल का भी है तो सुबह। हाँ बढ़िया है हो गया। जो अभी है इसमें गुंजाइश निकलने की और कुछ निकलेगा ठीक है निकाल दो, पर कम ही आया इस वाले में, उस दिन अच्छा निकला था। उस दिन तो खाली बनाई थी और अब ये दूध है। अच्छा ठीक है इस वजह से तो मलाई का ज्यादा अच्छा निकला है। मलाई करे है नहीं ऊपर ऊपर की रोटी भी है ठीक। घी निकालने का काम तो हमारा कंप्लीट हो ही गया है, बाकी अब थोड़ा सा घर की साफ सफाई रह गई है, झाड़ू पोछा मैं कंप्लीट कर लूंगी। और फिर एक चीज मैं आपको दिखाऊंगी, आपको मेरे पीछे दिख रही होंगी ये मशरूम के कट्टे हैं जिसमें डैडी ने अपने आप ही मशरूम उगाई है और एक्सपेरिमेंट करके देखा और रिजल्ट भी हमारा आने लगा है। थोड़ा थोड़ा इसमें मशरूम भी आने लगी है ये देखिए, इसमें हमारे डैडी जो है वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो उन्होंने इस बार तो ये ऐसी खेती होती है कि जो छत के अंदर ही की जाती है, बिल्कुल अंधेरे वाले कमरे में। ये देख सकते हैं आप छोटी छोटी आ रही हैं इसमें अंडे से जो दिख रहे हैं आपको, और एक बड़ी भी है और एक इसमें भी आ गई है, दोनों आपस में जुड़ भी गई हैं ये छोटी छोटी ये। दोपहर का काम हो गया है मेरा सारा कंप्लीट और 12 बज चुके हैं। आपको दिख ही रहा होगा कि मेरा कमरा कितना फैला हुआ है, मैंने कितना गंदा कर रखा है, गंदा नहीं कर रखा है, मैं भी अपना कुछ एक काम कर रही थी तो ये भी मेरा एक काम पड़ा था तो मैं उसको कंप्लीट ही कर रही थी। ये मैं कर रही हूँ आज पैकिंग, जो बुआ जी के घर पे भात में जो कप जाएंगे ना उनके यहाँ पे तो मैं उनकी पैकिंग कर रही थी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसी पैकिंग की है और आप भी बताना कि पैकिंग कैसी हुई है। तो ये हो गई है सारी पैकिंग कम्प्लीट, सारी तो नहीं हुई है, कुछ रह गई है, कुछ अभी फैला हुआ है। तो ये जोड़े हैं जो कि मैंने इन्हीं के डब्बों में पैक करके और ऐसे अच्छे से मतलब तह करके जैसे कि सिले सिलाए होते हैं ना ऐसे, तो इस तरीके से पैक कर दिए हैं। बाकी ये साड़ी है, ये साड़ी है, ये बुआ जी की साड़ी है, ये भी साड़ी है पर पूरा नहीं पता किस किस की है। ये साक्षी दीदी के लाली के कपड़े हैं, ये कान्हा जी के हैं। तो ये सब अभी कुछ और भी कपड़े हैं जो पैक करने रह रहे हैं, तो कुछ हो चुके हैं कुछ रह गए हैं तो मैं अभी इन्हीं को ही कर रही थी कम्प्लीट। तो चलिए मैं इनको कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सॉरी पैकिंग करते करते मुझे 12 से बज गए, 2:40 और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आगे थोड़ा भी कुछ काम करूँ और आप देख सकते हैं मेरे साइड में मेरे आसपास इतना ज़्यादा सामान फैला हुआ है कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उसे उठा के साइड में रख दूँ, अच्छे से अपने आसपास सफाई कर लूँ। लेकिन अब बिल्कुल बैटरी लो हो चुकी है तो मैं अब थोड़ी देर आराम करूँगी और शाम के टाइम आपसे मिलूँगी। मेरा सर भी फूट गया बात करते करते, गुस्सा भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है, लगी थोड़ी सी आराम से पर लगी। इसकी जो किनारी ना बहुत ज्यादा लगती है, पता नहीं यार मुझे बहुत देर से क्या हो जा रहा है, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे बताना। वैसे तो मतलब मेरी बॉडी इतनी ज्यादा थक चुकी है कि काम करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन माइंड जो है मेरा ऐसा कह रहा है कि जाके खड़े हो जाओ और अपने काम पर लग जाओ। तो ऐसे भी हो रहा है कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि कभी कभी मतलब ऐसे बॉडी तो रेस्ट में जा रही है लेकिन माइंड ऐसा हो रहा है कि कहीं काम के लिए देर ना हो जाए तो उठ जाना चाहिए, तो वो ही बेटर रहेगा। तो मैं ये सोच रही हूँ कि भी चला लिया है, थोड़ी देर लेट भी लिया है तो अब लेटने से क्या ही फायदा, तो उठ जाना चाहिए और अपने काम को टाइम पे कर लेना चाहिए क्योंकि कड़ी बनने में लगेगा टाइम और शाम के टाइम ये जल्दी भी आ जाएंगे और खाना मुझे टाइम पे बना के देना है। तो इससे तो अच्छा होगा कि मैं अभी थोड़ी देर
जल्दी उठ जाते, शाम को जल्दी काम हो जाएगा तो आराम से लेटेंगे और वीडियो एडिट करके आप तक भी पहुंचानी है। तो मैं जा रही हूँ नीचे और अपनी कड़ी की तैयारियां करती हूँ। हल्का सा बेड में सर टकराने के बाद मुझ में आ गई है थोड़ी सी एनर्जी और मैंने अपना झटपट ये कर लिया है रूम क्लीन। मैं नीचे जाने वाली थी बट मैंने सोचा कि पहले मैं अपना रूम क्लीन करके ही जाऊंगी। और अब मैं बैठ गई थी अपने बाल सुलझाने क्योंकि मैंने कल भी अपने बाल नहीं बनाए थे। कल वीडियो मेकअप वाली तो बना दी थी लेकिन उसमें बाल ही नहीं बनाए, कल से मेरे यूं ही बाल पड़े हैं। और अब थोड़ा सा टाइम मिला था, मैंने सोचा कि मैं बाल अपने कर लेती हूँ, बाल भर लेती हूँ, तो वो मैं कर ही रही थी। और आपको बताना मेरा डेली व्लॉग कैसा लगा आज का ये, और कमेंट जरूर करना, अच्छे कमेंट करना, बुरे कमेंट करना, जैसे भी मन करे वो करना, गलतियाँ कहीं पे हो तो वो भी बताना। वैसे तो मैं कोई गलती कर नहीं रही हूँ बट फिर भी अगर आपकी नज़रों में कोई गलती हो तो वो भी बताना, व्लॉग का कोई पार्ट अच्छा लगा हो तो वो भी बताना। और मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। लो जी, यहाँ पे हो गया मेरा कड़ी का घोल तैयार और यहाँ पे मैंने अपना काट लिया है सारा छोक। कड़ी का घोल मेरा मैंने तैयार कर लिया और इसको मम्मी ने मंगाया वहाँ घेर में और मैं इसको धीरे धीरे लेके जा रही हूँ और वहाँ पे बड़ी मम्मी बैठ के ना इसको रझा देंगी चूल्हे पे और मैं यहाँ पे अंदर इसका किचन में छोक तैयार कर दूंगी तो कड़ी जल्दी से बन जाएगी। अब मैं इसको घेर में लेके जा रही हूँ और बड़ी मम्मी ने वहाँ पे चूल्हे पे सारी तैयारियां कर ली है और ये थोड़ी सी छलक भी रही है पर व्लॉग नहीं छूटेगा, व्लॉग साथ ही चलता रहेगा। तो देखिए बिल्कुल मैं इसको अपने पेट से सटा के लेके जा रही हूँ। मैं ले आई हूँ अब बड़ी मम्मी के पास घर में और बड़ी मम्मी ने आँच जला के तैयार कर ली। मम्मी लो घोल दिया और देखो बिल्कुल चला करिए, बिल्कुल बहुत आराम आराम से लेके आ रही हूँ मैं। लो मम्मी पकड़ो, ये आँच यहाँ पे जल गई है, छोड़ दी छोड़ दी। मम्मी अगर हम मट्ठे को बिना ऐसे ही इसमें करे, मतलब इसमें बेसन वेसन न डाले और ऐसे ही रझावे तो फिर क्या होएगा? चलाते रहोगे तो ना फटने का, हाँ नमक के, हाँ जो ना चलाओगे तो फट जाएगा। ठीक है, इसे भी कड़ी को ऐसे छोड़ दो ना, हाँ तो ये फट जाएगी। तो यहाँ पे हाँ तो जला दिया मम्मी ने। मम्मी कितनी देर में हो जाएगी? बस अब हो ही जाएगी, जल्दी हो जाएगा चूल्हे पे तो, है ना? चूल्हे पे तेज आंच लगाए, जल्दी फटकी पड़ जाएगी। और अब मैं वहाँ पे वो कर लूँ। मम्मी लाल मिर्च है खड़ी? ऊपर भी है, कहीं नीचे भी है, ढूंढनी पड़ेगी ना। ढूंढ लीजिए, कहीं रखी होगी, मैंने पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रही। तो यहाँ पे मेरी बड़ी मम्मी बना रहे हैं कड़ी आज, सुबह से कड़ी कड़ी हो रही है, अब शाम को जरा सी कड़ी बननी है दो चार आदमी के लिए बस, क्योंकि खट्टी हो रही है ना थोड़ी सी, तो ज्यादा देर तक हम इसको रख भी नहीं सकते और बोर भी हो जाते हैं एक टाइम, एक दो टाइम खा के बस इतनी बहुत हो जाएगी। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ मम्मी, उसको मैं जल्दी से कर लूँ, है और कुछ चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए, बस ये है कि उसे छोक के लिए पानी लियो है, पानी वानी पानी का तो कुछ ना है, पीने पीने को ना, हाँ छोक में कर लिया मैंने तैयार, कटा हुआ रखा है, बस मैं जा रही हूँ। ये हो गई है पकौड़ियाँ मेरी कड़ी के लिए तैयार और वहाँ पे बड़ी मम्मी ने कड़ी रजा भी दी होगी तो मैं जल्दी से ले जाके बना देती हूँ। अगर आपका भी मन कर रहा है ना कड़ी पकौड़ा खाने का तो बना लो और खा लो, क्योंकि मैं व्लॉग में दे तो नहीं सकती, बस बहुत सारा प्यार दे सकती हूँ। ऐसे ही आप मुझे अपनी बहुत सारा प्यार दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ।